सदाबहार के फूल आपने कई बार देखे होंगे गार्डन में। ये फूल दो रंग में आते हैं, पर्पल और व्हाइट। ये फूल दिखने में बहुत छोटे और नाजुक होते हैं और ये पूरे साल में खिलने वाले फूल हैं और इसीलिए इन्हें सदाबहार के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई मौसम नहीं होता जब ये फूल मिलते नहीं हैं। कई लोगों को इसके मेडिसिनल फायदे नहीं पता है और इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि सदाबहार के फूल आपकी हेल्थ के लिए कितने गुणकारी हैं। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं पेरीविंकल यानी कि सदाबहार फूल के यूजेस। अगर आपको डायबिटीज है तो सदाबहार फूल के पत्ते चबा के उसके रस पी ले, फिर उस पे थोड़ा पानी पी ले, या फिर इन फूलों को गर्म पानी में 5 मिनट भिगा के रखें और उसके बाद फूलों को निकाल के पानी सुबह खाली पेट पिए। इसके लिए आप पर्पल या व्हाइट कोई भी फ्लावर ले सकते हैं। इसका दूसरा यूज है खाज, खुजली, सोराइसिस के लिए। इसके लिए सदाबहार के ग्रीन पत्ते यूज करें। इसमें से जो भी दूध निकलेगा वो दूध खाज खुजली वाली जगह पर लगाइए। एक दो बार इस दूध को लगाने से खुजली की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो सदाबहार के 4-5 फूल और 4-5 पत्ते ले, फिर ये फूल और पत्ते को क्रश करके उसका लेप बनाइए और ये लेप पिंपल्स पे लगाइए। ये फूल एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण पिंपल्स जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको किसी इंसेक्ट जैसे मस्कीटो, मधुमक्खी ने काट लिया है तो उस जगह बहुत पेन या एलर्जी हो रही है तो इस फूल का पेस्ट आप लगा सकते हो। सुबह अगर आप खाली पेट सदाबहार फूल चबा के खाते हैं तो इससे आपके बालों को काले रखने का तत्व होते हैं। अगर आप रोज सुबह सदाबहार के 2 फूल खाएंगे तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होगी। वेट लॉस करने के लिए भी ये फूल बहुत यूजफुल होते हैं। इसके पत्ते की चाय या काढ़ा बना के पीते हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वेट कम होता है। रिसर्च स्टडी से पता चला है कि कैंसर में भी सदाबहार के फूल बेनिफिशियल है। कैंसर सेकेंड या थर्ड स्टेज पे होगा तो सदाबहार के फूल चबा के खाने से कैंसर सेल्स बढ़ते नहीं है, पहले के कैंसर सेल्स नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह ये सदाबहार के फूल बहुत यूजफुल है आपके हेल्थ के लिए। इन फूलों के इतने फायदे हैं इसीलिए इन्हें संजीव बूटी भी कहा जाता है। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।